तो हमारे यहाँ गांव में दो भाइयों ने जन्म लिया था एक साथ में, तो उनमें से जो है दोनों जो है जन्म लेते ही उनको एक बीमारी लगी जिसको सूखिया बीमारी कहते हैं। उससे आदमी मर भी जाता है, बचना बड़ा मुश्किल है। अपनी शक्ति से दोनों को बचाया। महाराज जी अभी भी यहाँ स्थापित हैं, ये इधर हमारे जो बैठे हैं गुरु जी ये। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं, आज मैं आया हूं नंदगांव में। यहां का क्या महत्व है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां पे दर्शन करा देता हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये द्वार बना हुआ है अंदर जाने के लिए। अभी आपको मैं अंदर लेके चलता हूं और यहां के महत्व को बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि इस जगह का महत्व बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना। और अभी मैं लेके चलता हूं आपको अंदर और दिखाता हूं मैं आपको यहां पे क्या महत्व है। पढ़ सकते हो ये है, ऊपर लिखा है मंदिर श्री राधा कृष्ण जी श्री मान बाबा लक्कड़ दास जी की आश्रम है और ये विश्राम कुटी के नाम से है। नंदगांव में ये स्थान है। तो चलते हैं अंदर, मैं आपको यहाँ पे दर्शन कराता हूँ और यहाँ के महत्व के बारे में जानेंगे। बता दूं ये है विश्राम कुटी आश्रम और ये है शोरन सिंह जी, इनसे जानेंगे यहाँ के बारे में कि यहाँ का क्या महत्व है। ये हमारे यहाँ ये कुटी है, विश्राम कुटी है, उदासीन आश्रम से है। और यहाँ पहले महाराज जी रहते थे, साधु रहते थे, तो वो बड़े सिद्ध महान पुरुष साधु थे, तपसी महाराज के नाम से वो प्रसिद्ध थे। तो यहाँ गांव में जाते थे, हम भी यहाँ आते थे, हमने खूब देखा था उनको, बड़े बढ़िया साधु थे। तो हमारे यहाँ गांव में दो भाइयों ने जन्म लिया था एक साथ में, तो उनमें से जो है दोनों जो है जन्म लेते ही उनको एक बीमारी लगी जिसको सूखिया बीमारी कहते हैं। उससे आदमी मर भी जाता है, बचना बड़ा मुश्किल है। तो महाराज जी ने उनको जो है अपने तंत्र मंत्र से अपनी शक्ति से दोनों को बचाया और उनसे वायदा किया कि तुमको हमें एक को देना पड़ेगा, हम अपने आश्रम में अपना चेला बनाएंगे। तो वो दोनों भाइयों में से एक भाई को महाराज जी के यहाँ उन्होंने धूना पर आके रख दिया कि महाराज जी आप इनमें से ले लो। तो महाराज जी ने एक को ले लिया। महाराज जी अभी भी यहाँ स्थापित हैं, ये इधर हमारे जो बैठे हैं गुरु जी ये यहाँ रहते हैं। और आप इनसे अधिक जानकारी महाराज जी से लीजिए। राधे श्याम। तो महाराज जी, ये जो यहाँ के बारे में जो आप हमने सुना है, मैंने सुना है कि जो भी आपके साथ जो आपके बचपन में जो आपकी बात हुई है, जैसे कि आपके जो गुरुजी थे किस प्रकार आपको उन्होंने जीवित करा, क्या है वो सब चीज़ के बारे में आप हमें बताइए। क्या वो क्या चीज़ क्या घटना थी, कैसी थी, उसके बारे में आप हमें बताइए। वो घटना ऐसी थी कि हम जो है नंदगांव का ही हमारा जन्म है, ये हमारा गुरु आश्रम है विश्राम कुटी उदासीन आश्रम। जो हमारे गुरु महाराज थे ये पंजाब से कम 70 साल पहले घूमते फिरते यहाँ नंदगांव में आए थे। ये हमारी उम्र 60 बरस है और यहाँ पर ये त्यागी महात्मा थे बिल्कुल। और तो हम जुड़वा भाई हुए तो हमको जो है दोनों भाइयों को सूखे बीमारी हो गई थी 58 साल पहले। तो माता पिता ने हमको धूने पर ला के चढ़ा दिया था। तो गुरु जी गजा करने रोज़ भिक्षा मांगने जाते थे बस्ती में। तो जो है गुरु जी ने मतलब वो लेके धोने पर हमको ला के चढ़ा दिया। तो हम 2 महीना में 1.5 महीना में हम दोनों भाई मतलब ठीक हो गए, तंदुरुस्त हो गए। तो किस प्रकार वो आपके पास मतलब आपके घर पे आए थे महाराज, और किस प्रकार आपके घर वालों ने आपको मतलब उनसे क्या बोला था? वो इस प्रकार हुआ था कि पहले माता पिता ने हमको कई जगह इलाज करवाया, नहीं ठीक हुए, हमारा आराम नहीं पड़ा। हमारी उम्र थी जब 10-11 महीने की थी। तो फिर उनको जो है गांव के लोगों ने कुछ भक्तों ने कहा कि महाराज जी तपसी बाबा जो रहते हैं पावन सरोवर पे, उनके आप धोने पर ले जाओ, हो सकता है वो ठीक हो जाए। मैं दोनों भाई जब ये धोने पर ला के हमको माता पिता ने चढ़ाया और आग्रह किया कि महाराज जी अगर दोनों बच्चे अगर बच जाएँ तो आपकी कृपा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो गुरु जी ने कहा कि मंगलवार शनिवार हमको जो है तुम यहाँ लेके आओ, हम इनको झाड़ा लगाएंगे, कोशिश करेंगे, अगर दोनों बच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
उन्होंने फिर गुरुजी ने एक बात कही कि अगर दोनों बच गए तो इसमें से एक बच्चा तुम हमको दे देना शिष्य बनाने के लिए। शिष्य बनाने? हाँ, शिष्य, हम अपना चेला बनाएंगे उसको, ऐसा जो है गुरुजी ने कहा तपसी बाबा ने। तो हम जो है 2 महीने बाद में हम जो है दोनों भाई मतलब ठीक हो गए, तंदुरुस्त हो गए। फिर उन्होंने माता पिता ने कहा कि बोले महाराज अब आप एक बच्चा ले लो। गुरुजी बोले अभी तो दूध पीते हैं, अभी नहीं लेंगे हम, जब ये डोलेंगे फिरेंगे 4 साल की 3.5 साल की उम्र हो जाएगी जब हमको तुम देना। तो फिर जब हम 4 साल के हो गए, जब गुरुजी ने फिर एक दिन कहा कि बोले भाई हमको एक बच्चा दो तुम अब, तो फिर माता पिता ने हमारे भाग में था ये बैराग जो हमारे संन्यास हमारे भाग में था, फिर गुरुजी हमको अपने साथ ले आए। उदासीन परंपरा के अनुसार जैसे शिष्य बनाते हैं ऐसे हमको अपना शिष्य बनाया। तो यानी कि 4 साल की उम्र से आप यहाँ पे शिष्य मतलब अपने गुरुजी के शिष्य बन गए? हाँ जी, 4 साल की उम्र से हम बैराग में आए और अब कम से कम 55-56 साल हो गए हमको बैराग में ही जी। तो जो आपके गुरुजी हैं वो यहाँ मतलब कब उनका शरीर पूरा कब हुआ? वो शरीर पूरा हुआ था जी उनका 1983 में 11वें महीने में। 1983 में हुआ था? जी जी जी। तो आपके यहाँ पे और भी उनके शिष्य थे या फिर आप थे? उनके महाराज जी हम 2 शिष्य हुए थे, एक थे बाबा लक्करदास जी जिनकी ये समाधि बनी हुई है इधर, और एक हमारा नाम है बाबा धूनी दास। और धूनी दास क्यों रखा हमारा नाम का? हमको उनके माता पिता ने हमको धूने पर चढ़ाया था, इसलिए गुरुजी ने हमारा नाम धूनी दास रख दिया। उसके बाद में फिर हमको जो है पंजाब अमृतसर में छोड़ा, 6 महीना वहाँ हमने जो है गुरमुखी पंजाबी का अध्ययन किया थोड़ा बहुत। फिर हमको वृंदावन में गुरुजी ने छोड़ा जब 8-9-10 साल के होंगे हम, फिर वो हमने हिंदी का अभ्यास किया। अभी 1992 से हम लगातार अपने आश्रम पर हैं और इसका संचालन अपना देख रेख कर रहे हैं। ये हमारा गुरु आश्रम है। हाँ, तो आपको यहाँ पे बचपन से ही आपने इसी आश्रम में रहे हो आप? जैसे नहीं, बचपन से नहीं रहे, हमने जब बैराग लिया 4 साल की उम्र में, जब गुरुजी ने हमको जो है बहुत भ्रमण करवाया, कई राज्यों में हमको भ्रमण करवाया है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, सब जगह हमको घुमाया फिराया। उसके बाद में हमारी जो एक जमात है उसका नाम है पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, उसमें हम 1974 में नागा बने हरिद्वार के कुंभ में। अच्छा। हरिद्वार के कुंभ में हम नागा बने हैं और फिर जमात में हमने 18 साल हम जमात में भ्रमण किया है हिंदुस्तान में कई राज्यों में। अच्छा। और साधु मतलब बैराग में ही हम रहे, साधुओं की टोली में रहे काफ़ी साल, और अब जो है 27-28 साल से अब यहाँ गुरु आश्रम में रह रहे हैं और अपना इसको देख रेख कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। राधा कृष्ण जी का मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर है, गुरु जी की समाधि है, सेवा पूजा करते हैं, आरती पूजा करते हैं, जो हमारा जो साधुओं का जो कर्म है वो अपने कर्म से रहते हैं, अपना भजन पूजा पाठ करते हैं। अच्छा। हाँ जी, आपका जो घर है परिवार है वो यहाँ नंदगांव में स्थित है? हाँ जी, हमारे नंदगांव में ही हमारे भाई परिवार सब है, वो गृहस्थ धर्म में, हम बैराग धर्म में हैं। अच्छा, आपके एक ही भाई हैं और भाई हैं? नहीं, हमारे भाई जो है हम 5 भाई थे जिसमें से जो बड़े भाई थे हमारे वो उनका शरीर पूरा हो गया, 10 बरस हो गए, बाकी मेरे से छोटे 3 भाई अभी हैं वो हाँ ग्रस्त में है वो। हाँ, जो आपका जो जुड़वा थे आपके साथ में जो हुए? हाँ, जुड़वा थे जी, हम जुड़वा भाई हुए थे। जुड़वा भाई हुए थे? हाँ जी। तो आपके जुड़वा भाई इनमें से यहाँ पे अभी मेरे साथ में आपको बता? हाँ जी, हाँ बता दो। आपके जुड़ आप हो? हाँ जी, आप हैं इनके भ्राता? हाँ जी, हमारे हाँ जी भाई हैं हमारे। आप इनके भाई? जुड़वा भाई, जुड़वा भाई। आप नजदीक आ जाएंगे तो अच्छा होगा, पास में आ जाओ ताकि जो देख रहे हैं वो भी देख सके। तो आप ये देख सकते हो ये महाराज जी हैं और ये इनके भाई हैं और आप एक साथ एक? हाँ, जुड़वा भाई हैं जी हम। मतलब एक कितना टाइम का फर्क? 10 मिनट का फर्क है, हम 10 मिनट बड़े हैं, ये 10 मिनट छोटे हैं। आप 10 मिनट? हाँ जी, 10 मिनट छोटे हैं। 10 मिनट छोटे हो लेकिन बिल्कुल फर्क पता नहीं चल रहा है, लेकिन बस आपका लिए आपके आपके चेहरे पे तेज है जो आपका आपकी जो जिसे कहते हैं आपकी तपाप से दिख रहा है आपके चेहरे पे। और जो भी आप किस प्रकार इनसे भेंट करते हो जब भी आप इनसे मिलते हो? महाराज जी करके भेंट करते हैं हम, तो महाराज जी कहते हैं हम, महाराज जी करके भेंट करते? बिल्कुल हाँ जी। और आपका मन कभी कभार जब भी आपके परिवार जब भी घर परिवार वालों का मन करता है तो वो भी आके मिलते हैं? हाँ जी, मिलते हैं, मिलते हैं वो भी आके। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है उस टाइम पर महाराज जी? हमारी प्रकृतियाँ यह है कि हमारे तो जो है ना सब भगत सेवक हैं, आते हैं राधे श्याम भाई, राधे श्याम, खुश रहो, आनंद रहे, भगवान भला करे, हमारी तो यही प्रतिक्रिया रहती है, यही रहती है। अच्छा अच्छा, हमारा जो है ना मतलब समभाव रहता है ना सबको, समभाव अपना, ये नहीं है कि हमारा भाई है ये इनसे ऊपर इनसे आगे, ऐसा कुछ नहीं, समभाव रहता है सबके, सबको समान रूप से हमारा रहता है सबके समान। ये लोग आते हैं जैसे कभी 4 दिन में 10 दिन में सामने पड़ जाते हैं तो राधे श्याम, दंडोत महाराज, दंडोत भाई, खुश रहो, बस
इतना अपना संपर्क है, फालतू अपने कुछ नहीं, इतना ही संपर्क बस बस। हाँ जी, बाकी तो आप जब जो भी आपके जैसे घर परिवार में जो भी जैसे खेत वगैरह में जो भी कार्य होता है जी, तो उस प्रकार से भी आपकी मदद होती है? हाँ मदद होती है जी, मदद ऐसा है हमने अपना जो खेत है इन्हीं भाइयों को दे रखा है। हाँ जी, हमने उसमें कुछ नहीं ले रखा अपने, हम तो अपना गजा करके लाते हैं। गजा मतलब पंजाबी में बोलते हैं जैसे भिक्षा मांग के, भिक्षा मांग के गजा बोलते हैं पंजाबी भाषा में भिक्षा को, तो गजा करके लाते हैं और अपना आनंद से अपना खूब चलता है बढ़िया। तो महाराज जी आप हमें अपने जो आपके गुरु जी हैं उनके बारे में आप हमें बताइए कि उनकी क्या लीला रही है यहाँ पे? उनकी लीला एक बताते हैं यहाँ के बुजुर्ग लोग, हमारा तो हमारे जन्म से लगभग 4-5 साल पहले, हमारी उम्र 60 वर्ष की है और ये 65-70 साल पुरानी बातें हैं कि एक दफ़े नंदगांव में ओले पड़े थे, गेहूं की फसल पक्के तैयार खड़ी हुई थी, तो पक्के तैयार खड़ी हुई थी, जो रख्या होती है गांव के किनारे जहां गाय भैंस बैठती हैं, तो गुरुजी जो है मतलब भजन में लीन थे, भजन में बैठे हुए थे, तो सवेरे 4 बजे जब रात को ओले पड़े 12 बजे लगभग, तो गांव के जो बुजुर्ग थे वो सवेरे आए महाराज जी से कहा, बोले महाराज जी हम तो बर्बाद हो गए, हमारा तो सब फसल नष्ट हो गया होगा। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा फसल के ऊपर बिल्कुल ओला नहीं गया है, तुम जाके देखो सब जो जहाँ ये रखा है जहाँ गऊ भैंस बनती है वहाँ सब ओले इकट्ठे तुमको मिलेंगे, ऐसा गुरुजी ने कहा। तो मतलब जब जब उजाला हुआ 6-7 बज गए तो लोगों ने जाकर देखा तो सब ओले जो पड़े थे ना पत्थर ऊपर से वो सब जो है रख्या में जहाँ गाय भैंस बनती है, रख्या बोलते हैं जिसको हमारे देहाती भाषा में, वहाँ सब ओले इकट्ठे, गेहूं की फसल एक दाना किसी जिमीदार का किसान का नुकसान नहीं हुआ। ये गुरुजी ने चमत्कार दिखाया था, ये गुरुजी ने चमत्कार दिखाया, और वैसे उन्होंने छोटे मोटे चमत्कार तो उन्होंने मतलब कई बार दिखाए हैं। हाँ जी, ये भी उनका चमत्कार रहा है कि जो जब बारिश के ओले जैसे आप बता रहे हो, हाँ जी, सुबह वो बिल्कुल एक जगह समते में मिले हैं, मतलब रक्षा में मिले, रक्षा जो होती है, अच्छा, जो गायों की होती है, हाँ, जो रक्षा बोलते हैं, बचत बोलते हैं उसमें, मतलब सब ओले इकट्ठे मिले और फसल में कोई किसी किसान का नुकसान नहीं हुआ, किसी जमींदार की कोई बाल नहीं टूटी, ये उन्होंने चमत्कार दिखाया था लगभग 65 साल पहले, 65 साल पहले, हाँ 65-70 साल पहले लगभग। और शंख अभी भी चमत्कार है इस आश्रम में, अगर कभी ओले पड़ते हैं जैसे बरसात में, या अभी थोड़े दिन पहले भी ओले पड़े थे, अभी 4-5 दिन पहले, तो हमारे पास में जो है ना एक पंचमुखी शंख, आप देखना इससे दर्शन कराना, उसको हम गुरु अपना मंत्र गुरु मंत्र पढ़ के उसको बजाते हैं तो 3-4 फूंक में तुरंत संघ की संघ ओले अभी भी बंद हो जाते हैं। ओले बंद वाले दिन पड़े थे 12 बजकर 37 ओले पड़े रात के, जब ओले पड़ते तो आप मतलब वो बजाते हो शंख बजाते हैं तुरंत बंद हो जाते हैं ओले बंद हो तुरंत सेकंडों के अंदर, मिनट में मिनट, घंटा आधा घंटा नहीं लगता, सेकंडों में हो जाते हैं उस दिन बंद है संघ। अभी भी मतलब गुरुजी का आशीर्वाद है, हमारा कुछ नहीं है, ये गुरुजी का आशीर्वाद से अभी भी इतना है। ये गुरु जी के समय का ही संघ है, वो सामने देखो रखा हुआ है वो सामने नीचे सिंडी पर, ये संघ है जी, दिखा दूं एक बार, वैसे मैं आपको भी अंदर जाके दिखाऊंगा, लेकिन आप देख सकते हो सामने वो शंख रखा हुआ है उस तरफ, लेकिन मैं भी आपको अंदर जाके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो जो आप यहाँ पे बता रहे हो काफी आनंद आया उसके बारे में जानकर महाराज जी, और ये आपके भाई हैं, ये भी देख के ये जरूरी था दिखाना लोगों को, नहीं तो लोग ये कहते कि हमको भाई भी दिखाओ, तो ये आप देख सकते हो ये दोनों भाई हैं, लेकिन एक जी एक महाराज जी बिल्कुल संन्यास रूप में हैं और एक ही गृहस्थ ही अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो काफी आनंद आया महाराज जी आपसे जान के, आप हमें दर्शन कराइए और आइए आइए दर्शन करिए, दर्शन कराइएगा। स्थापना करी थी मूर्तियों के, ना ना उसमें दो सन 2000 में, सन 2000 में, सन 2000 की मूर्ति की स्थापना, हाँ जी 20 साल हो गए इन मूर्तियों को स्थापना हुए, आश्रम तो 70 साल पुराना है ये, अच्छा, लेकिन जो मूर्ति जो स्थापना हुई है इनको 20-21 वर्ष हो गया इनको, 20-21, हाँ जी इसको मंदिर को बने, बाकी जो आश्रम में जो कुटिया है वो तो कम से कम 65-70 साल पुराना आश्रम है ये, 65-70 साल, हाँ जी। तो आप जो शंख बता रहे हो वो शंख भी हमें दिखा, ये शंख है जी, ये शंख है जी, पंचमुखी बोलते हैं जी इसको, ये शंख है वो मैं आपको दिखा दूं, ये पंचमुखी शंख है, हाँ जी पंचमुखी बोलते थे हमारे गुरुजी भी, और पंचमुखी है ये, पांच है ना, 1, 2, 3, 4, 5, अच्छा इसको इसलिए पंचमुखी बताते थे हमारे गुरुजी। तो आज भी अगर आप इसको बजाते हो ओलो के टाइम पर तो हाँ जी बिल्कुल बंद हो जाती है, तो सेकंडों में, सेकंडों में, हाँ जी हाँ जी,
तो इतना महत्व है इस शंख का। और ये जो शंख है महाराज जी के जो गुरु जी थे उन्होंने ही इस शंख के, मतलब उस टाइम का ये शंख है। हम जब से हमें होश संभाला, जब से हम इसको शंख को गुरु जी के पास देख रहे हैं, पता नहीं कितने साल पुराना होगा ये, 50-55 साल से तो इसको हम देख रहे हैं। उससे पहले पता नहीं गुरुजी ने कहाँ से प्राप्त किया, कहाँ से लाए, हमको कोई उसके बारे में जानकारी नहीं, पर बहुत पुराना शंख है ये। तो बहुत दिव्य दर्शन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँ, ये शंख कोई आम शंख नहीं है। और आज के आप ये कह सकते हो जो गुरुजी के, जो महाराज जी के गुरुजी थे उनके पास ये शंख था। और ये पंचमुखी शंख इसको कहते हैं, आप देख सकते हो। महाराज जी ने बताया इसका महत्व कि आज भी अगर यहाँ पे ओले पड़ते हैं तो ये केवल उस शंख को बजाते हैं और ओले कुछ ही सेकंडों में बंद हो जाते हैं। तो आपको मैं एक बार दोबारा से दर्शन करा दूं पूरे मंदिर के, बहुत प्यारा मंदिर है, आप देख सकते हो। ये हमारे ये गुरु भाई थे जो बड़े, ये नई उम्र का फोटो है। महाराज जी आपके गुरु जी हैं? ये हमारे गुरु जी हैं जी, श्री श्री 108 बाबा रामजी दास जी तपस्वी। तो यही वो हैं जिनके बारे में आपने बताया? हाँ, जिन्होंने हमको मतलब हाँ जी, ये वही गुरु जी जिनको जिन्होंने हमको जीवन दिया, जिन्होंने आपको हमको जीवन दिया, क्योंकि हम सूखिया की बीमारी में मर जाते 10-12 महीने के थे। तो इन्होंने हमको जो है झाड़ा दे करके अपने तंत्र मंत्रों के जरिए हमको जो है मतलब जीवन दान दिया एक किस्म। मैं बता दूं आपको, महाराज जी के ये गुरुजी हैं और इन्हीं गुरुजी की इतनी कृपा रही है कि आज जैसे कि महाराज जी ने बताया कि गुरुजी ने ही इनको जीवन दान दिया है। और जो आपके दूसरे आपके जो यहाँ पे शिष्य थे वो भी हैं, उनके भी समाधि पे भी मैं आपको लेके जाऊंगा। और यहाँ पे जान के काफी आनंद आया, आप दर्शन कर सकते हो। यही है, इनका नाम क्या है एक बार आप हमें दोबारा बताइएगा? इनका नाम है श्री श्री 108 बाबा रामजी दास जी तपस्वी। तपस्वी जी, तो आप देख सकते हो। पैंसठ साल पहले वो सन लगा लो कितना बनता है वो तो नहीं जानकारी, कोई बात नहीं, लगभग 70 साल पहले इन्होंने ओले रोके थे, वही महाराज जी हैं ये। हाँ जी, तपसी बाबा ओले और आज भी वो आपके पास दिव्य शंख। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इनकी जिसे कहते हैं चमत्कार यहाँ पे आज भी होते हैं। हाँ जी, आज भी बड़ा चमत्कार आप हमारे लिए आप हैं। हमें तो क्या, हम तो इनके दास हैं भैया, हमको कुछ भी नहीं है। सबसे बड़े तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जो देख रहे हैं वो भी आपको बहुत धन्य होंगे जो आपके दर्शन कर रहे थे। अब चलता हूँ मैं आपको उस तरफ लेके जो यहाँ पे दूसरे इनके शिष्य रहे उनकी समाधि है यहाँ पे। बाबा लक्कड़दास जी महाराज जी हमारे बड़े गुरु भाई थे, बड़े गुरु भाई थे जी। तो ये भी महाराज जी गुरु, हाँ महाराज जी के शिष्य थे, हम दोनों शिष्य थे महाराज जी के, ये भी और हम भी। ये हमसे उम्र में भी बड़े थे, बैराग में भी बड़े थे, दो तीन साल। हाँ जी,
तो इनका शरीर कब पूरा हुआ है? इनका शरीर पूरा हुआ ये 2013 में, 2013 में इनका शरीर। जी 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 हाँ जी। तो आप दर्शन कर सकते हो इनके। बहुत ही प्यारा है ये, छोटा सा स्थान बनाया हुआ है, समाधि है बाबा की, समाधि है। यही समाधि, यही इनका संस्कार किया था, यही समाधि बना दिया, और महाराज जी का भी वही संस्कार किया, वही समाधि बना दिया। हाँ जी, संत महात्माओं का जो है ना सबसे बड़ा क्या होता है, राजा राज करे प्रजा सुखी बसे। संत का जो मतलब उद्देश्य यही होता है, आत्मा से जो भजन करते हैं महात्मा लोग, इनका यही रहता है कि राजा तो राज करे प्रजा सुखी बसे, यही साधु का उद्देश्य रहता है, मतलब सब सुखी रहें। जो हम लोग जो माला फेरते हैं भजन करते हैं ठाकुर जी का, हमारा उद्देश्य क्या होता है कि सब सुखी रहें, कोई दुखी ना हो, हमारा ये उद्देश्य रहता है हर साधु का, ऐसा है। भगत लोग है ये, भगत भगत ये भगत सेवक है हमारे सब ये। आपको बता दूं ये है सभी गांव के निवासी और ये महाराज जी के भक्त हैं, सभी सेवक हैं जो यहाँ पे इनके। हाँ सुबह शाम आते आने वाले भगत हैं ये सब, बस्ती के ही हैं। हाँ और इनके ये, और ये आपको दिखा दूं ये है शिव परिवार, यहाँ पे नंदीश्वर महादेव, नंदीश्वर महादेव के दर्शन होते हैं आपको। और इनकी स्थापना कब हुई? इनकी स्थापना हुई है जी 2008 में। 2008 में जी, और देखने से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अभी कुछ ही समय पहले। नहीं नहीं 2008 में हुई थी इसकी, मतलब 12 साल हो गए लगभग, 11-12 साल हो गए। हाँ जी, तो जैसे कि मैं आपको बताया था महाराज जी हैं, महाराज जी के सभी हैं सेवक हैं जो यहाँ पे सुबह शाम आते हैं और यहाँ पे अपना समय बिताते हैं महाराज जी के साथ में। तो महाराज जी काफ़ी आनंद आया आपसे जान के जी, चलते हैं आगे की ओर। तो ये थे मेरे साथ में यहाँ पे धुनीदास बाबा जी जो कि यहाँ पे विश्राम कुटी में यहीं पर रहते हैं, विश्राम आश्रम है यहाँ नंदगांव में। मैं आपको बता दूँ अगर आप पावन सरोवर में आ रहे हो तो बिल्कुल पावन सरोवर के बिल्कुल बराबर में है इनका विश्राम आश्रम, यहाँ पे आप आके यहाँ पे इनके दर्शन कर सकते हो। आज भी यहाँ पे नंदगांव में आपको यहाँ पे इनको मिलेंगे, आपको दर्शन होंगे इनके। आपको मैं ये कहूँगा जरूर आए यहाँ पे इनके दर्शन करें। और ये हैं इनके भ्राता, इनके भाई जो कि आप, मैंने इनको भी जरूर इनको बुलवाया स्पेशली यहाँ पे आप लोगों के लिए, के जो भी मेरे व्यूअर्स जो भी आप सब देख रहे हो कि इनको इनको भी देख सकें, और आप दोनों के सब आप देख सकते हो। मैं आपको एक बार दोबारा से नज़दीक से दिखाऊंगा और काफ़ी आनंद आया यहाँ पे जाए महाराज जी। ये महाराज जी जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे इनसे आपको मिलवा दिया है, और ये इनके भाई हैं, और आप भी नंदगांव के निवासी हो? नंदगांव, आप नंदगांव में रहे हो। और महाराज जी के बारे में जैसे कि हमने जाना, काफ़ी आनंद आया महाराज जी आपके बारे में जान के, और काफ़ी अच्छे तरीके से आपने बताया अपने गुरु जी के बारे में, जो भी यहाँ की लीला रही है आपके गुरु जी की उनके बारे में, तो आनंद आया काफ़ी, काफ़ी आनंद आया गुरु जी से जान के यहाँ पे, यहाँ के महत्व को और जो गुरु जी के जो गुरु जी थे उनके बारे में भी जान के काफ़ी आनंद आया। आपको कैसा लगा यहाँ पे दर्शन करके प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना ताकि ये मैसेज दूसरों तक पहुँच सके और दूसरे लोग भी महाराज जी के दर्शन के लिए आ सकें। मैं आपको ये कहूँगा ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि आज भी हमें कलयुग में भी ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं और इनके दर्शन हो रहे हैं, हमें बहुत बड़ी बात है। आप सब यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना ताकि दूसरे लोग भी महाराज जी के दर्शन के लिए आएँ और अपने जीवन को धन्य करें। ये थी एक छोटी सी वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रिज धाम के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो, दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, थैंक यू।